बहू नमक की तरह होती है, भुरैना भदोही गांव की रहने वाली रेवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा। सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ था। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के दो तीन साल काफी मजे से खुशी के साथ निकल गया और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली, मम्मी दो साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जा कर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफी नाराज और दुख होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर तीन महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती है कितने दिने के बाद आई हो और मुझे दो साल हो गया, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता ही नहीं है, मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के आती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है। और रेवा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। यहाँ खाने के लिए अलग फरमाइशें की लड़ी लगती रहेंगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो और कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, बनाना है तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेवा जल्दी नीचे आओ, देखो आंचल आई है। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर छिपाए एक कानों में दबाए अपनी नंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी, आंचल रेवा से बोली, अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? आंचल शर्माती हुई कहती है, वहाँ भी भाभी सब ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा दीदी बैठिए, मैं नाश्ता बना लाती हूँ। नहीं 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 भाभी, कुछ मत बनाइए, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल दो तीन घंटे ही रहूँगी क्योंकि सासू की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखवाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेले यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सब मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई मुस्कुराती हुई। आंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो बात करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनाती ही रहोगी। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा, एक काम करो आंचल के साथ बैठो बातें करो, मैं कुछ बना देती हूँ। जी नहीं मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तब भी कहा,
कहा, आंचल ने, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ, मैं आपसे बात करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी। यह रहेगा क्यों माँ, रीवा की सास बोली, ये भी सही है। रेवा और आंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। आंचल खाना खाने बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेट कर रात को अपने कमरे में रीवा गई तो सूरज ने कहा कि रेवा तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस चाहती है कि मैं अपनी मायके जाऊँ। चंचल दीदी एक दो घंटे के लिए आती हैं लेकिन मिलकर तो चली जाती हैं, उसमें क्या तुम भी चली जाओ रेवा, सूरज ने कहा। और देखो रेवा दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब शारदा जीजा जी अपने माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। उसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके, ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेवा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है, तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेवा सो जाती है। सुबह उठकर रेवा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर शर्मा आंटी रेवा की सास से मिलने आती हैं तो काफी देर तक बात करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रेवा की सास से पूछती है कि आंचल की माँ ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो। रेवा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी इस पर क्या जवाब होगा। रेवा की सास ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेवा निराश होती है और दिल भी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक रेवा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह घर में निराश रहने लगती है। निराश रेवा को देखकर एक दिन रेवा की सास ने पूछा है, रेवा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या या सूरज ने कुछ बोला क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, रेवा की आवाज में दर्द था। रेवा की सास ने अपने पास बिठा कर पूछा, नहीं तुम बताओ रेवा कि क्या हुआ है। रेवा के आँख में आंसू भर आया और रेवा ने सास को सारी बातें बता दिया कि कैसे शर्मा आंटी ने आपसे बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह ओह तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात। अरे रे रेवा मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह से घुल जाती है, और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहु नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलाने पर हम जो खाना खाते हैं उस समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं, ठीक उसी तरह मेरे लिए वही नमक हो, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना लगता है, इसलिए तुम्हारे कर्जदार हैं।
रेवा सारी बात समझ जाती है और अपने सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी कहा है कि माँ रेवा अपने मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए रेवा तपक के बोल उठी, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेवा की सास रेवा के सिर पर हाथ फेर कर रहती है और सूरज एक टक लगा कर रेवा और अपनी माँ को देखता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।